हत्या, लूट, बलात्कार, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का तो ये आलम है कि बिहार सरकार का मंत्री ही आगे आकर बोलता है कि मेरे यहाँ भ्रष्टाचार होता है, मेरे यहाँ इस विभाग में पैसे लिए जाते हैं, बिना पैसे का मेरे यहाँ फाइल नहीं चलता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये एक्सेप्ट करते हैं कि यहाँ शराबबंदी है, लेकिन मेरा दरोगा, मेरा थाना शराब भिजवाने का काम करता है, हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। महिलाओं के, बच्चों की, स्कूलों की, विद्यालय की, शिक्षा की जो स्थिति है काफी खराब स्थिति है। बिहार में जो दिल्ली में एक शासन चल रहा है, जो बिहार किस बारे में बैठक आयोजित की गई है सर? बिहार में जो ये एनडीए की सरकार है, ये भाजपा की गोद में खेलने वाली तानाशाह सरकार है। आए दिन बिहार में बिहार की जो जनता है वो बिहार से दिल्ली को देख रही है। बिहार की जनता आम आदमी पार्टी को लगातार आमंत्रित कर रही थी और संदेश भेज रही थी केजरीवाल जी को कि आप जिस तरह से दिल्ली में स्वास्थ्य की सुविधाएं दे रहे हैं, दिल्ली में जिस तरह से आप अस्पताल चला रहे हैं, दिल्ली में जिस तरह से शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना दिया गया, जो स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया, दिल्ली के विद्यालय में जो पढ़ाई है वहाँ जो रिजल्ट है वो अति हाई क्वालिटी का, उच्च स्तर का हो गया। निजी विद्यालयों के, स्कूलों के बच्चे आईआईटी में कम कम्पीट कर रहे हैं, हमारे सरकारी विद्यालय के बच्चे ज़्यादा कम्पीट कर रहे हैं। बिजली वहाँ मुफ्त मिलती है, पानी वहाँ मुफ्त हो गया, जो मैनिफेस्टो हमने दिया था सुरक्षा में या कैमरा हो या जो भी वायदे दिल्ली सरकार ने किए जनता को सुविधाओं देने वाले, वो पूरे देश के सभी राज्यों से अधिक सुविधा जनता को वहाँ मिल रही है। आज की बैठक किस चीज को मैं आ रहा हूँ तो ये सवाल था कि आम आदमी पार्टी अपनी चुनावी राजनीति कब से बिहार में शुरू करेगी, क्योंकि बिहार की जनता चाहती है कि दिल्ली जैसी सुविधा यहाँ भी मिले, दिल्ली जैसी सरकार यहाँ भी हो। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने पहल करते हुए पंचायती जो राज का चुनाव था, ये पंचायत चुनाव था, उसको लड़ा, हम पंचायत चुनाव से बिहार में इसका श्री गणेश कर रहे हैं। हालांकि बिहार का जो ये पंचायत चुनाव है ये पार्टी आधारित नहीं होता है, तो आम आदमी एक बुद्धिजीवियों की पार्टी है, आम आदमी ईमानदार नेताओं की पार्टी है, आम आदमी अरविंद केजरीवाल जैसी विचारधाराओं के लोगों की पार्टी है। तो इस पंचायत के चुनाव में जो ईमानदार लोग होंगे, जो सच्चे लोग होंगे, जो अच्छे लोग होंगे, हम आम आदमी पार्टी अपरोक्ष रूप से उनको जितवाने के लिए कार्य करेगी, अच्छे लोगों को जिताकर पंचायत में लाएगी। और इसके बाद जो हमारा संगठन है अभी, इसके समर्थन के लिए हम यहाँ विधानसभा प्रभारी और ब्लॉक प्रभारी का गठन कर रहे हैं। इसके बाद जो 2-3 महीने तक कार्य करेगी पंचायत चुनाव के समाप्ति के बाद, जो इनकी कार्यशैली होगी, इनकी कार्य क्षमता को देखकर बिहार प्रभारी का दौरा चल रहा है। अभी हमने प्रदेश कमेटी को असेसमेंट किया है, खत्म किया है, जिला कार्यकारिणी को ध्वस्त किया है। दौरा के बाद अभी जैसे हम गए थे पश्चिम चंपारण गए थे, पूर्वी चंपारण गए थे, गोपालगंज गए थे, बक्सर गए थे, आरा गए थे, मुजफ्फरपुर, पटना, और फिर जो दूसरे चरण में जो बिहार प्रभारी सचिव जहाँ जी आ रहे हैं वो नालंदा आएंगे, नवादा जाएंगे, जहानाबाद जाएंगे, गया जाएंगे, वहाँ के बाद आपको रोहतास जाएंगे, कैमूर जाएंगे, तो लगभग 15 जिले कंप्लीट होंगे। 38 जिला का दौरा पूरा करने के बाद, जो व्यक्तियों को तलाशने के बाद, एक मजबूत संगठन आगामी जो 2024-25 का चुनाव है, यहाँ के सत्ता परिवर्तन के लिए, जनता की आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए, दिल्ली जैसी सुविधा बिहार में भी लाने के लिए, उस संगठन का निर्माण हम करेंगे। और जो आगामी 2024-25 का लोकसभा विधानसभा का चुनाव होगा उसमें मजबूती के साथ हम अपना पक्ष रखेंगे और बिहार में आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली मॉडल की सरकार यहाँ कायम करेंगे। और एक बात आज मैं दावे के साथ कहकर जा रहा हूँ कि 2025 में बिहार में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, और कोई भी सरकार अगर बनती है तो बगैर आम आदमी पार्टी के समर्थन के, नियंत्रण के कोई भी सरकार नहीं चलेगी। आज की बैठक किस चीज को लेकर आयोजित की गई? संगठन को मजबूत कर रहे हैं, बिहार में हर जिलों में हम जा रहे हैं, संगठन बना रहे हैं, अपनी समीक्षा कर रहे हैं, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्या कमियां हैं उसको दूर करेंगे, और 2025 के लिए आज से ही तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम लिखे? मनोज कुमार, प्रदेश जिला परिषद, आम आदमी पार्टी।